मनास कम से कुछ सका छुला शख्स थो नख्स देशन त्रख से जस पछू अब्बास तू से किस कम भो गुले जहरा यले शंभो सकीना हस कम से क्या गम भो पचर गल कम से शोब हजर न छू फसे तसे मशक पो छू चुसे खासे लमीनो और गो गिर गया तसे हर बरल्ला गोए बरू अब्बास हंदा रुपया से हस्तम जिस मखरूब से फसे फ्यागलग आलम लोग से कसल भी हो हसनी पला दुख से दफक से बन चू अब अच्छु तुम हलुस्ता मशर ल हम थप छो तुम अकबर ल अशना गद मत पास कर ल थन छो मत चुचू अब्बास सकिनिए एकदम लगो एकदम है तंगो बेर गए कपड़ा पो में सकिनिए एकदम लगो एकदम में तंगो बेर गए कपड़ा पो में चुक्योमा हगीक पलम थोमे हजे मिकला जुक से दो अब्बास सल्ले अला कातु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار عالم
पूरी दुनिया में आज़ादारान इमाम हुसैन व महाफिल अज़ा की हिफाजत फरमा दे। परवरदिगार आलम साहिब खाना की जो भी हाजात शरिया हैं उनको पूरा फरमा दे। साहिब खाना के घर को हर किस्म की मुश्किलात परेशानियों से दूर रख दे। परवरदिगार आलम साहिब खाना व हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन को शफाअत अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम नसीब फरमा दे। परवरदिगार आलम बहुत सारे मोमिनीन ने खुसूसी दुआ की इस्तेता की है, बास बीमार हैं, बाज़ों ने अपने बच्चों की तालीम व तरबियत, इज़दवाज और दीगर हवालों से दुआ की इस्तेता की है। इन सब मोमिनीन मोमिनात की हाजात शरिया को परवरदिगार आलम पूरा फरमा दे। परवरदिगार आलम कोरोना वायरस के इस वबाई मरस को तमाम इंसानों को और बिलखसूस मोहब्बान अहलुल बैत व तमाम मुसलमानों को इस मरस से रिहाई व निजात हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा दे। परवरदिगार आलम अपने आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा दे। हम सब को आपके आवान व अंसार में से होने की तौफीक इनायत फरमा दे। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद की ज़ात पर। आइस आप मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में बयान करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले पिछले साल जो हमारी इस मजलिस की रौनक थे, एक शख्सियत उस्ताद मोहतरम मरहूम मग़फ़ूर जनाब प्रोफेसर कमाल इल्हामी साहेब, आज इस साल हम महरूम हैं उनके इल्मी फ्यूज़ात से। खुदावंद मुताल की दुआगो हैं, बारगाह में दुआगो हैं खुदावंद मुताल इस उस्ताद मोहतरम को। एक इल्मी फ़िक्री अदबी इज्तमाई शख्सियत थी। परवरदिगार आलम इनके मकामात को बुलंदतर फरमाए और इन्हें जवार अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम नसीब फरमा दे और हम सब को इनके आसार व इनकी इल्मी फ्यूज़ात से इस्तेफादा करने की तौफीक इनायत फरमाए। मौज़ू सुखन करबला के पैगाम हैं और करबला का अहम तरीन पैगाम अहयाए दीन, दिफाए दीन व तरवीज दीन है। बहुत ही नुमाया करबला का व अशूरा का पैगाम है। सबसे पहले हमें करबला की निस्बत अपनी निगाह को दुरुस्त करना होगा। जिस तरह एक इंसान किसी हॉस्पिटल की तरफ रुख करता है तो वहाँ से उम्मीद यही होती है, तवक्को यही होती है कि उसके तमाम बीमारियों का मदावा व इलाज वहाँ से हो। और हम अपने माशरे में देखते हैं इंसान मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार होते हैं। खुदावंद मुताल तमाम मरीज़ों को शफाए कामिल दुआ आजिल इनायत फरमाए। वो हॉस्पिटल्स में जाके अपने तमाम बीमारियों का, मुतअद्दिद किस्म की बीमारियाँ हैं, मौरूसी बीमारियाँ हैं, बस ऑपरेशन की मोहताज बीमारियां हैं, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इन तमाम बीमारियों का अक्सर औकात इलाज हॉस्पिटल से होता है। ये बदन की पैथोलॉजी होती है, बदन के अमराज का राय हल हॉस्पिटल होता है और वो डॉक्टर्स हजरात के नुस्खे होते हैं। जब भी खुदा न खास्ता कोई बीमारी लगे तो हमें उन माहरीन की तरफ, मेडिकल साइंस के रुजू करने की ज़रूरत है। दीन के अंदर चूँकि कुरानी इंसान दो चीज़ों का मजमू है, बदन और रूह का, रूह को भी उसी तरह की बीमारियां लगती है और रूह की बीमारियों के उस बीमारिस्तान या उस तबीब का नाम हुसैन इब्न अली है, कुरान मजीद है, अहलुल बैत अलैहिस्सलाम है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में फरमाया कुरान मजीद के एतबार से कि ये किताब हमारे इज्तमाई व माशरती अमराज के साथ साथ इंसान की रूह को जो बीमारियां लगती हैं और अमराज अकबर, बड़े बड़े अमराज, उनका मदावा इस कुरान के अंदर है। फ़ी ही शफा उन मिन अकबर अकबर दाई वहवल कुफ़ुर व निफाक वल गई व जलाल। कुरान मजीद के अंदर इंसान के माशरे को व इंसान की रूह को जो बीमारियां लगती हैं उनका इलाज मौजूद है। कुफ्र की सूरत में वो बीमारी लग सकती है, निफाक की सूरत में लग सकती है, गुमराही की सूरत में रह सकती है, इन तमाम अमराज का राय हल कुरान मजीद के अंदर है। और इसी कुरान की अमली तफसीर, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन व तफसीर करबला है। अगर कुरान ने गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन का तज़किरा किया है कि मग़ज़ूब जो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गए, अगरचि खुदा की रहमत वसीअत कुल्ला शय थी, और गुमराही और फसाद की राह दिखाने लगे, जैसे एक शायर मोहतरम ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा कि यजीद शर्र कसीर है। खूब
یہ شر کثیر قرآن نے بیان کیا مغضوبین کا راستہ، اس کی عملی تفسیر کربلا میں نظر آتی ہے۔ اس شر کثیر و تمام تر کفر و نفاق و پستی کا مجسمہ کربلا میں یزید ہے، اور جہاں قرآن نے صراط الذین انعمت علیہم کا تذکرہ کیا کہ یہ اس راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر خداوند متعال کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، خوب یہ امام کہاں پر ہے؟ اس امام کا بھی مجسمہ عملی کربلا کے اندر موجود ہے، بہت ہی جاذب امام، بہت ہی ایثار و فداکاری کا مجسمہ حسین ابن علی، اور اس حد تک راہ دین میں قربانی پیش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں بعض اوقات اپنا وقت دینے کے لیے کنجوسی کرتے ہیں، اپنا مال دینے کے لیے بہت بڑی کیلکولیشن آئندہ سات پشت کی نسلوں تک کرتے ہیں۔ یہ کیسا امام ہے قرآنی جس امام کی اتباع و پیروی کی ہمیں حکم نماز میں ہر وقت درجنوں مرتبہ دیا؟ خمینی نے کربلا سے نمازیں بھی لی، عبادات بھی لیے، اور سب سے بڑھ کر کربلا سے دین کا وہ مرکزی ستون لیا جسے نظام ولایت فقیہ کہا جاتا ہے، وہ چمکتا ہوا سورج کربلا سے امام خمینی نے لیا، اور یہ چمکتا ہوا سورج الحمدللہ جس کی بنیادیں کربلا کے اندر ہیں، یہ اپنی نورانیت، بصیرت اور شجاعت و حرارت، ایمان کی حرارت پوری دنیا کو آج عطا کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی لیاقت کو بڑھائیں، استطاعت کو بڑھائیں، تو کربلا آج ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے آمادہ و تیار ہے۔ کربلا کا ایک اہم پیغام دین کو احیا کرنا، دین کی ترویج کرنا اور دین کا دفاع کرنا، غیرت دینی کا اوج کربلا کے اندر ہے، دین کے احیاء کا اوج کربلا کے اندر ہے، دین کی تبلیغ کا اوج کربلا کے اندر ہے۔ ایسا مبلغ ہمیں کہیں نہیں ملے گا جو مبلغ کربلا میں ملا، وہ بہن زینب کبریٰ، ایسا مبلغ کہاں ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہوں، جس کی چادر، باحیا خاتون تھی زینب کبریٰ، حیا کا اوج، اور جس کی چادر چھینی گئی ہو اور 18 بھائیوں کے جنازے کو چھوڑ کے آئی ہو، اور وہ پیغام کربلا کی مبلغہ بن جاتی ہیں۔ عقیلہ بنی ہاشم یہ کربلا کی تبلیغ کا، دفاع دینی کا اور دین کو احیا کرنے کا اوج ہے کربلا۔ امام سجاد علیہ السلام نے بارہا فرمایا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ودا فرما رہے تھے حضرت زینب کبریٰ کو، آخری وصیت یہ کی تھی، بہنا یہ اوج ہے کربلا کا، اکاش یہی پیغام ہم اپنے دلوں میں اتارتے زندگی بدل جائے گی، بہنا اس عالم میں اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ اور امام سجاد نے گواہی دی کہ میری پھوپھی اماں نے ان سخت مراحل میں، سخت مراحل میں بھی، کہیں کسی مرحلے میں بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا ہے۔ ننگی پالانوں کی اونٹوں پر رسیوں سے بندھی ہوئی یہ بی بی وہاں بھی نماز شب پڑھتی ہیں۔ یہ اوج ہے احیاء دین کا، یہ اوج ہے تبلیغ دین کا، یہ اوج ہے غیرت دینی کا۔ ان ہستیوں کو معلوم تھا دین کتنا گراں بہا سرمایہ ہے انسانی سوسائٹی کے تمام امراض کے رائے حل کے طور پر اسے پیش کیا، اور دین ہی میں اور آپ کی دنیا و آخرت کی برکات و فیوضات و اعلیٰ کمالات کے حصول کا تنہا ترین ذریعہ ہے، آپشنل ذریعہ نہیں ہے، آپشنل راستہ نہیں ہے کہ دیگر راستے بھی ہیں اور بھی ہیں اور دین بھی ہے، یا کوئی مکسچر بھی نہیں، نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کچھ دین سے لیں، کچھ ویسٹرن سوسائٹی سے لیں، کچھ ہندی سوسائٹی سے لیں اور اس کا ایک مکسچر بنا کے استعمال کریں اور ہماری نجات ملے گی، نہ۔ دین کربلا نے بیان کیا ہے، خط بطلان کھینچا دین کے مقابل راستوں میں، تنہا ترین راستہ، منحصر ترین راستہ، انسان کی دنیا و آخرت کی آبادی کا وہ دین ہے۔ اس لیے دین کے بچاؤ کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کے دفاع کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا، اتنے بڑے عظیم سرمایے کو اس دین کے دفاع اور حفاظت کے لیے صرف کیا امام حسین ابن علی نے۔ کربلا کا واضح پیغام دین ہے، دین شناسی میں نے مثالوں میں عرض کیا ہے جوانوں کی خدمت میں، دین یا تو ہم مثال دیں اپنے چھوٹے آئندہ کی نسل کو سمجھانے کے لیے، چونکہ قرآن نے مثالوں کے ذریعے سے اپنے پیغامات دیے ہیں، یہ قرآن کی ہدایت و تربیت کی روش ہے، اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے 400 سے زیادہ مثالیں دی ہیں، اور قرآن میں 57 ایگزامپلس قرآن نے دی، اور 2200 سے زیادہ آیات
मिसालें अमली मिसालें अम्बिया के कसस के तौर पर मौजूद है, मिसालों का बड़ा किरदार है। दीन को रिवायात में हबलुल मतीन कहा गया है। हबलुल मतीन ऐसी रस्सी जो बहुत मोहकम हो, बहुत मजबूत हो, उस रस्सी को जो सहारा बन सके किसी का, किसी का बोझ उठा सके, किसी पर बोझ ना बने बल्कि बोझ उठा सके, लाखों टन बोझ उठा सके और लाखों टन बोझ उठाकर निजात दे, उस मजबूत रस्सी को हबलुल मतीन कहा गया है। इमामत को हबलुल मतीन कहा, दीन को हबलुल मतीन कहा और दीन की मिसाल रस्सी की दी। और इसमें बहुत गहराई है। आयतुल्लाहिल उज़्मा जवादी आमली फरमाते हैं हबलुल मतीन दीन की एग्जांपल दी गई है। अगर इसी को समझ में आ जाए तो दीन के साथ मैं क्या मुतालिबा रखूं, किस निगाह से मैं दीन की तरफ आऊं, ये भी मालूम हो जाता है, और दीन मुझे क्या दे सकती है ये भी मालूम हो सकता है। और फिर इंसान अपना एहतसाब कर सकता है कि मैं इतने अरसे से दीनदार हूँ, मेरा आबाओ अजदाद दीनदार, मैं दीनदार, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी फजीलत है। आया मैंने इस तकाजे के मुताबिक दीन से वो चीज़ें ली हैं या नहीं ली, ये सब मालूम हो जाता है। अरब सोसाइटी के अंदर रस्सी का बड़ा मकाम था, जिस तरह ऊँट रस्सी, सहराई सोसाइटी में पानी, आज हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और 5-स्टार होटल्स की एक इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंस है, उससे बड़ी इम्पोर्टेंस सहराई माशरे में पानी, ऊँट और रस्सी की हुआ करती थी। मुमकिन आज हमें आसान लगे, ये बहुत कीमती चीज़ें हुआ करती थी। अरब सोसाइटी में पानी के लिए कुएँ खोदे जाते थे और इस तरह से बिजली नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी। कुओं में लोग बाज़ों का जल्दी में होते, बाज़ों का गफलत में होते, बाज़ों का दुश्मनी की बाबत गिर जाते थे लोग कुओं में, और उन कुओं से निकालने के लिए आज की हाईटेक टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, मशीनरी। मजबूत रस्सी को, जैसे हज़रत यूसुफ़ के माजरे में भी देखते ना हम कि वो एक रस्सी नीचे गिराई गई और वहाँ से हज़रत यूसुफ़ को निकाला गया। मजबूत रस्सी हुआ करती थी और उस रस्सी को उस कुएं में गिराते थे, और जो उस कुएं में गफलत की वजह से, लाइल्मी की वजह से, अजूल पने की वजह से या दुश्मन की साजिश की वजह से गिर गए बिलाखिर किसी भी वजह से, अब वो इंसान है, निजात चाहता है, कुएं में अंधेरा है, कुएं में बिच्छू हैं, कुएं में दम घुटता है, कुएं में उसे सुकून और राहत और आराम नहीं है, उस बेआराम जगह से निकलना चाहता है। अक़ल का भी तकाजा है, इंसानी अक़ल का भी तकाजा है और हुब्ब ज़ात का भी तकाजा है कि इंसान गलत तल हकाइक से बाहर आना चाहता है जल्दी। खूब उसको उस मुश्किल से निकालने के लिए रस्सी डाली जाती थी। ये रस्सी उसके लिए ज़िंदगी का पैगाम है, ये रस्सी उसके तमाम दर्दों, घुटन, मुश्किलात, प्रेशर का राय हल व मदावा है। लेकिन अब इस रस्सी को अगर वो मुश्किल कुशा माने अपना, और रस्सी को थामने का, थामने को अरबी में तमस्सुक कहते हैं, यानी कोई भी निजात का ज़रिया आपकी तरफ आए और उस निजात के ज़रिए को आप मजबूती से थामें, बाकी अब उस रास्ते का काम है, उस रस्सी का काम है, जो भी मजबूती से थामें इसको कहते हैं तमस्सुक। तमस्सुक इसीलिए कहा अहलुल बैत से मुतमस्सिक हो जाओ, दीन से मुतमस्सिक हो जाओ, मजबूती से थामो, उस इंसान की तरह जो गर्क हो गया है किसी कुएं में जिसमें बिच्छू हैं, हैवानात हैं, धम घुट रहा है, और ऐसे में एक मजबूत रस्सी गिराई जाती है, अकल का इस्तेमाल करें और मजबूत रस्सी को थामे। रस्सी का एक सिर्रा इस कुएं में है, एक सिर्रा मोहकम मजबूत सहारे के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इसकी अकल का तकाजा है, बैठ के उस रस्सी पे तराने और मनकबते और शायरी करता रहे खुदा न खास्ता मुतमस्सिक हुए बगैर निजात नहीं मिलेगी। सदियों तक बैठा रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता रहे, जो इस रस्सी को मान दे जिंदाबाद, ना माने मुर्दाबाद कहता रहे, और इस रस्सी पे से सवाब की गरज से देखता रहे, निगाह करता रहे, कभी भी ये इंसान निजात नहीं पा सकता। वो इंसान निजात पा सकता है जो जुरत दिखाए, शुजात दिखाए, अकल का इस्तेमाल करे और इस रस्सी को मजबूती से थामे। जितनी वुस्त और ताकत व तवानाई खुदावंद मुताल ने उसे अता की है, इस रस्सी को मजबूती से थामे तो इस रस्सी का अगला सिर्रा मोहकम मजबूत एक मंबा व सोर से जुड़ा हुआ है, हबलुल मतीन है। लिहाजा वो रस्सी उसे आराम आराम से तेजी के साथ उस कुएं से निकालकर निजात की वादी में मुस्तकर करेगी उस इंसान को। इसी तरह खुदावंद मुताल ने दीन की रस्सी को, और खुसूसन ये रस्सी करबला में बची है, इस रस्सी का बरम करबला में रखा गया है, इस रस्सी की तरवीज करबला में हुई है, इस रस्सी के दिफा का कि जवान मर्दी व एहसास
करबला में उठा है। ये रस्सी करबला में भी थी और आज भी थी। जो भी इस रस्सी को मजबूती से थामे, असर टेक्नोलॉजी के आज के मॉडर्न फसाद व फाशा के कुएं में सोसाइटी गिरी हुई है। तासुबात के कुएं में गिरे हुए हैं, फसाद व फाशा के कुएं में गिरे हुए हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड के फसाद और शैतानी उन उसवों के कुएं में गिरे हुए हम, और आज दुश्मनान दीन आलमी इस्तिकबार की साजिशों के कुएं में गिरे हुए हैं। आज का असर मर्द की शादी का कुएं का असर है। आज का असर शहवतें इतनी भड़काई गई हैं, शहवतों का कुआं इतना भड़का हुआ है उसकी आग, और इतना गहरा है कि मर्द की शादी में भी उकता गए हैं। अब शहवतें इतनी बड़ी कि मर्द की हैवान के साथ शादी, हैवान की मर्द के साथ शादी के किस्से हुकूक़ बशर के चार्टर में रकम करने की कोशिशें की जा रही हैं। आज यूरोपी आदाद व शुमार देखें मॉडर्न जाहिलियत के असर में, कि अमेरिका में 41% लोग नाजायज़ ताल्लुकात के नतीजे में पैदा हुए हैं। अमेरिका की पॉपुलेशन कम से कम 30-32 करोड़ के लगभग है, उस आबादी का 41% को यजीद ने फसाद व फाशा के कुएं में गिराने की कोशिश की थी। हुर ने अकल का मुजाहिरा करते हुए निजात की कश्ती में दाखिल हुए और निजात की रस्सी को थाम कर हुसैन इब्न अली की तरफ आए। हुर निजात याफ्ता हो गए, हुर करबला के आवान व अंसार में से हो गए। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद की जात पर। हम में जरूरत इस अमर की है कि हम इस निजात की कश्ती को थामें और ऐसे न थामें उसके किसी किनारे को थामें। मस नहीं करना, गले लगाना है और रूह दीन को समझना है। दीन आज देने के लिए है, कमी में और आपकी तरफ से है। दीन के अंदर कोई कमी नहीं है। दीन आज हमारे तमाम इज्तमाई, इनफरादी, तालीमी, इक्तसादी, ख़ानदानी, इनफरादी तमाम मसाइल का राय हल रखती है दीन। दीन मुश्किल कुशा है, दीन को की रूह को समझना है इस तरह, और बहुत आसान है, इसके लिए कोई पेचीदा काम नहीं है। रसूल अकरम के दौर में एक चरवाहा आया, आके रसूल अकरम से कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं जल्दी में हूँ, बकरियों का रेवड़ इधर पड़ा हुआ है, मुझे जल्दी जल्दी दीन सिखा दे, और दीन भी ये नहीं कि चंद तालीमात, रूह दीन सिखा दे। चरवाहे का सवाल बहुत अच्छा था और अच्छे उस्ताद के पास भी आए थे। खूब बाज लोग वहाँ हैरान होने लगे कि ये कितना जल्दी में है और रूह दीन इतनी जल्दी में इसे नज़र आ समझ में आ जाए। रसूल अकरम ने उसे रूह दीन को समझाया। कुरान की एक एक आयत मुश्किल कुशा है, पूरा दीन भी मुश्किल कुशा, एक एक आयत भी मुश्किल कुशा है। खुदा शाहिद है एक आयत का पैगाम मैं और आपके दिल में उतर जाए, इस चरवाहे की तरह मैं और आप भी रूह दीन को समझ सकते हैं। ये आया रसूल अकरम ने फरमाया, भले मैं आपको रूह दीन आपके कल्ब पर मुंतकिल करता हूँ। अब ये आपकी किस्मत पर है कि आप इस मुश्किल कुशा, इस दीन को किस हद तक गले लगाते हैं और कबूल करते हैं। मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन को जगह दो, जो कल काजी है, जज है, वहीं शाहिद भी है। खुदा देख भी रहा है, अंबिया देख रहे हैं, शोहदा देख रहे हैं, आज़ाओ जवारे कल मैं और आपकी वीडियो चलाएंगे। खूब ये चरवाहा गया, कहा या रसूल अल्लाह मुझे पूरा दीन समझ में आ गया। फिर वो जो साथ थे हंसने लगे, कैसे पूरा दीन समझ में आ गया इसको? इसकी ओर डिग्री रसूल अकरम ने दी, लकत रज अर्रजुल फकीहन। ये चरवाहा ऐसे नहीं है कि आया था जैसे और जा रहे वैसे, आया था जाहिल था, रूह दीन से गाफिल था, अब की जा रहा है फकत रज अर्रजुल फकीहन, ये दीन फकीह बनकर जा रहे, दीन का फकीह। फकीह यानी वो जो दीन की सतही चीज़ों को नहीं समझता, फकीह तफक्कुस है, वो इंसान जो दीन की गहराई में उतरे और दीन की रूह को समझ के चला जाए उसे फकीह कहा जाता है। आँख को दिखाती है बदन की आंखें, रूह की आंख को कहते हैं बसीरत। बसीरत अगर आ जाए, बसीरत से इंसान इमाम को देखता है, बसीरत से इंसान इमाम के सिरात मुस्तकीम को भी देखता है और शैतान के सिरात कुफर को भी देखता है। बसीरत से हक और बातिल के अंदर फ़र्क करने की तमीज़ आ जाती है। बसीरत वो नक्शा है जिस तरह एक फौज किसी दुश्मन से लड़ने के लिए स्ट्रेटजी अपनाने के लिए, मुरतब करने के लिए नक्शा बनाती है। उस कुतुब नुमा उस नक्शे को जिसमें दुश्मन की हरकत, दुश्मन की तमाम मनसूबे और दुश्मन के मनसूबों के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी व प्लानिंग का नक्शा और डिज़ाइन और मालूमात होती है, उस नक्शे को बसीरत कहा जाता है। और बसीरत आ जाए इंसान दीन से
तमाम कमालात ले सकता है। इसीलिए अबुल फजल अब्बास की एक फजीलत क्या थी, दीन को मुश्किल कुशा समझ के गले लगाया था और अबुल फजल अब्बास ने दीन से बसीरत ली थी। इमाम सादिक फरमाते हैं अम्मुन अल अब्बास नाफिजुल बसीरा, चचा अब्बास बसीरत दीनी में ओच पे थे और अब्बास की रेड लाइन बसीरत की वजह से इमाम हुसैन थे। जो भी हुसैन की तरफ मेली आंख उठाकर देखे अब्बास जलाल में आ जाते हैं। यह बसीरत एक असर है दीन का। दूसरा वफा बे अहद, दीन में और आपके दोष पर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद करती है और उन जिम्मेदारियों को उठाना, उन जिम्मेदारियों का बरम रखना, उन जिम्मेदारियों को हकीकी अमीन तक महफूज रखना, ये दीन का एक असर है। हमल अमानत, हिफ्ज़ अमानत, अदाए अमानत, ये दीन का असर है। बहुत सारे लातालुक बैठे हैं आज, बहुत सारे आप देखें दीन से बाहर मैदानों में फ़ालियत भी अंजाम दे रहे हैं, वहाँ रश भी है। दीन के मैदानों में हमेशा कम व अकलियत ही आती है और उन्हें घबराना नहीं। अव्वलन अमानत दीन की जिम्मेदारियों को, दीन की जिम्मेदारियाँ तबलीग, इन्फाक, वाज़ो नसीहत, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, बेशौरी को ख़त्म करना, रूह दीन का दिफा किया। ज़ैनब ने ये नहीं कहा मेरा भाई लुट गया, शहीद हो गया, मैं असीर हो गई, मैं यतीम हो गई। कहा मा राइतु इल्ला जमीला, मैंने करबला में जमाल और जीबाई व हुसन के अलावा नहीं देखा। मैंने करबला में क्या देखा, ज़ैनब फरमाती मैंने करबला में हुर को तोबा करते हुए देखा। मैंने करबला में हुर को उस आलम में देखा कि वो अपनी आंखों में पट्टियां बांधकर हुसैन के कदमों पे गिर पड़ते हैं और कहते आका क्या इस मुजरिम की तोबा कबूल हो सकती है। हुसैन फरमा रहे हैं हुर मैं तेरा मुंतजिर था। ये माजरत तलब करने की जरूरत नहीं। करबला में ये भी देखा ज़ैनब कुबरा ने। करबला में ज़ैनब ने क्या देखा, करबला ने ज़ैनब ने उस ईसाई जवान वहाब कल्बी को टुकड़े टुकड़े होते देखा और वहाब कल्बी के सर अकदस को उसकी माँ की तरफ फेंका। माँ ने ना उस सर पर बोसे लगाए ना उस सर को देखकर रोना शुरू हुई। करबला की माँ ये ईसाई खातून, इसने उस सर को दे मारा उस दुश्मन की तरफ और कहा जिस सर को राह हुसैन में हमने दे दिया उसे वापस नहीं लेते। कितनी जीबा है करबला, कितनी हसीन है करबला। ज़ैनब ने इतनी हसीन करबला देखी। ज़ैनब ने करबला में क्या देखा, ज़ैनब ने करबला में अब्बास अलमदार की वो सदा भी देखी जब अब्बास का दायां बाजू कट गया। अब्बास अलमदार ने कहा मेरा दायां बाजू कट गया तो क्या गम है, मैं कटे हुए बाजू से दीन का दिफा करूंगा। ज़ैनब कुबरा ने दीन का दिफा किया, दीन की अमानतों का बरहम रखा, दीन की तरवीज में ओच पे गई जहरा की ये बेटी। करबला में क्या देखा ज़ैनब कुबरा ने, ज़ैनब कुबरा ने करबला में अजीब मंजर देखा जब अली अकबर करबला की तपती रेत में सीने में बर्छी खा के गिर रहे थे। हुसैन इब्न अली ने फरमाया बेटा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा और हुसैन इब्न अली न जाने कैसे अकबर की लाश में पहुंचे और देखा हुसैन ने हुसैन से पहले ज़ैनब अकबर के लाशे से चिमट कर जार कतार रो रही है। ज़ैनब कुबरा ने शाम गरीबा भी देखी करबला में। ज़ैनब कुबरा ने सकीना के गोहर छुपते हुए देखा। ज़ैनब कुबरा ने सकीना पे तमाचे पड़ते हुए देखा और ज़ैनब ने करबला में अब्बास अलमदार का अलम भी देखा, बाजू भी देखे। अब्बास अलमदार विदा के लिए आए, आज ज़ैनब की उम्मीद टूटी है आज़ादारो, आज सकीना की उम्मीद टूटी है। बाबुल हवाइज थे, वो जो सबकी हाजतें पूरी करते हैं उसे बाबुल हवाइज कहा जाता है और अब्बास ऐसा बाबुल हवाइज है जिसकी अपनी एक हाजत भी पूरी नहीं हुई है। अब्बास की एक आरज़ू थी कि जंग की इजाजत मिल जाए, इन अश्किया के लश्कर को निस्त नाबूद कर दे। अब्बास की ये आरज़ू भी पूरी नहीं हुई और उस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए अब्बास अलमदार ने। और एक आरज़ू थी मश्क सकीना में पानी भर कर खैमगा तक पानी आ जाए, चूंकि अब्बास अलमदार ने सकीना से वादा किया था और सकीना बच्चों को
इकट्ठे करके कह रही थी, बच्चों अब पानी आएगा, अब हमारी प्यास बुझेगी, क्यों हमारे चचा अब्बास ने वादा किया है और मेरा चचा जब भी वादा करता है पूरा करता है। बच्चों वो देखो चचा गालम आ रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, बच्चों सबर कर लेना, तहम्मुल कर लेना, मेरा चचा पानी ला रहा है, मेरा चचा वादा पूरा करता है। मक्तल की किताबों में लिखा है, ज़ैनब ने यह भी देखा है करबला में, कि थोड़ी देर बाद वो सकीना जो बच्चों को तसल्ली दे रही थी, अलम अब्बास, अब्बास के बाजू कट जाने की वजह से थोड़ा सा झुका है अज़ादारों, सकीना ने कहा है, चचा मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे चचा अब्बास चाहिए। لازم صاحب کفان عباس لازم صاحب کفان عباس تم چیز الفون یانگ یری کاکا لا تم چیز الفون یانگ یری کاکا اللہ سکھا کل نشان اب سا سکھا کل نشان اب سا استورے نا عباس علی کربالا اللہ استورے نا عباس علی کربلا شاہ صالح حسین عباس شاہ صالح حسین عباس یہ ناچو شاہ سے فونے میں دو دی دنیا आया ना सो शाचे के फोने में दो दी दुनिया अल्लाह लेंगे शोले आ अब्बासा लेंगे शोले आ अब्बासा तम चीज़े ले फोनो यांगे लातम चीज ले फोनो अल्लाखा कल निशान अब्बासखा कल निशान अब्बासखा कल निशान अब्बासखा कल निशान आए आलादार हुसैन अब्बासखा कल निशान अब्बासखा कल निशान अब्बासखा कल निशान अब्बास